विकेट रोड पर आज एक के बाद एक वाहन टकरा गए हैं। सबसे आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हो गया। हालांकि हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एलिवेटेड रोड पर से सभी वाहनों को हटाया है और इस दौरान वाहनों का भारी जाम देखने को मिला। को बता रहे हैं जयपुर में एलिवेटेड रोड पर टकराए वाहन, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक वाहन यहां पर टकराए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लग जाने से यह घटना हुई। जन टीवी पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जन टीवी पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं एलिवेटेड रोड पर टकराए वाहन। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जयपुर के एलिवेटेड रोड पर एक के बाद एक वाहन टकराते हुए यहां पर देखे गए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि आगे जो कार चल रही थी उसने अचानक से ब्रेक लगाया। क्या कुछ पूरी जानकारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, मौके पर आप मौजूद हैं? देखिए, सोडला एलिवेटेड रोड पर कुछ देर पहले एक हादसा हुआ है। हालांकि इसमें किसी जानमाल के नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वाहनों का नुकसान इसमें जरूर हुआ है, क्योंकि जो एलिवेटेड रोड फिलहाल अभी बनकर तैयार हुई थी, अक्टूबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसे हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन जहां सोडाला पे ये एलिवेटेड रोड जुड़ती है, वहां पर बोटल नेक होने के कारण का नहीं है, टेक्निकल एरर होने के कारण, इंजीनियरिंग विंग की कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो माना जा रहा है कि जो पुरानी अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड और सोडाला एलिवेटेड रोड को जोड़ने वाला जो जगह है, जो कि जो पॉइंट है, वहां पर ये घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि कई गाड़ियों को इसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति या यात्री को नुकसान नहीं हुआ है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक आगे की गाड़ी का ब्रेक लगाना, क्योंकि सामने से अजमेर एलिवेटेड रोड की तरफ से जब वाहन ओवरटेक करके निकला आगे वाली कार, और तो पीछे की कार को ब्रेक लगाने के साथ ही पूरी घटना हुई। और उसके बाद कहने का ये इंजीनियरिंग विंग जो कि टीडी की रही है, जिसने ये रोड बनाया है, इसमें अक्सर लोगों की शिकायत भी रहती है कि यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं हादसे की स्थिति रहती है, और आज हादसे की स्थिति बन गई है वापस से। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो बोर्डर शेप में इस सड़क को बनाया गया है, ऊपर से बीच से चौड़ा और आगे जहाँ ये ज्वाइंट होती है, जहाँ ये मर्ज होती है अजमेर एलिवेटेड रोड पर, उसमें जुड़ने की जगह नेहरू बॉटम जिसे कहा गया है, तो बोटल नेक की जो स्थिति है उसके कारण ही हादसा हुआ है। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।